कृष्ण जय जय श्री राधे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अभी यह फिल्म तोमर घर की वंशावली पर, चंबल के तोमरों पर चल रही है। इसके पिछले भाग में आप तोमर राजवंश के राज चिन्हों से, पांडवों के राज चिन्हों से तथा अन्य राज निशानों से, या कुल के जो भी गोत्र है, शाखा है तथा तोमर या पांडवों के जो कुल के निशान है, चिन्ह है, उनसे आप परिचित हो चुके हैं। अब इस फिल्म का आगे का भाग हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। ये अब यहाँ से महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की आगे की वंशावली शुरू होती है। ये जो चंबल के तोमर हैं, ये महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की तोमरघार है। तो कैसे क्या हुआ या कैसे वंश चला, ये सब इस वंशावली में यहाँ आएगा। पिछली वंशावली में, वो पिछली फिल्म में हम यहाँ पर तोमरों का और पांडवों का आदि खेरा का नाम उल्लेख करना भूल गए थे त्रुटिवश। तो उसमें हम बता दें, बाकी सब चिन्ह वगैरह कुल गोत्र सब बता दिया था। आदि खेरा है तोमरों का, वो है हस्तिनापुर। तो वंशावली में जो उल्लेख है वो है तोमरों का आदि खेरा हस्तिनापुर। तो पहले किसी राज्य को या उसको खेरा नाम दिया जाता, खेरा जहां डल जाता था। तो आदि खेरा इसने वंशावली में हस्तिनापुर उल्लेखित है, अंकित है। अब इसके बाद में आगे महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की वंशावली हम आपको सुनाते हैं, बताते हैं। ये चंबल के तोमरों की वंशावली है और यहाँ की जो तोमरघार, भारत की सबसे बड़ी तोमरों की बसाहट है, सबसे बड़ी तोमरघार है पूरे भारत वर्ष के अंदर और पूरे विश्व के अंदर। तो ये कैसे क्या हुआ, अब ये आगे की वंशावली आप सुनिए। तो इसमें जैसा कि हम पहले राज चिन्ह और गोत्र वगैरह, शाखा वगैरह बता चुके, अब इसमें आगे महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर दिल्ली से ऐसा आए और वहां पर उन्होंने गढ़ी की स्थापना की। यहां से यह वंशावली शुरू होती है। इससे पूर्व की जो वंशावली है वो फेसबुक पर पड़ी हुई है, महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर से पूर्व की और अर्जुन तक की जो वंशावली है वो उस पर पड़ी हुई है। तो महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर जब दिल्ली में किल्ली गाड़ करके यहां पर ऐसा गढ़ी में आए, पृथ्वीराज चौहान ने हाथी दिया था, तो वो हाथी यहाँ पे चंबल के किनारे आके ऐसा गढ़ी में बैठा। तो यहां तक की आप सुन चुके। तो ये आगे की जो वंशावली शुरू होती है वो भी इसी जगह से होती है कि महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर दिल्ली से ऐसा आए
और फिर अनंगपाल सिंह तोमर के पुत्र हुए सोनपाल सिंह तोमर। सोनपाल सिंह तोमर ने सोनिया नामक नगर बसाया और 11वीं सदी में और रानी ककनवती कच्छावरी, कच्छावरी यानी कछवाए होते हैं राजपूतों में, कछवाओं को कच्छावर कहा जाता है, कच्छावरी लिखा है वंशावली में। तो महाराजा सोनपाल सिंह तोमर ने सोनिया नगर बसाया 11वीं सदी में और रानी ककनवती कच्छावरी नरवर के राजा कीर्ति सेन की पुत्री से उनका विवाह हुआ और कीर्ति सेन की पुत्री महारानी ककनवती भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, तो उसके लिए उन्होंने पूजा पाठ के लिए ककनमठ नामक मंदिर उनके लिए बनवाया। ये वंशावली में उल्लेख है, ये महाराजा सोनपाल सिंह तोमर ने बनवाया था अपनी रानी ककनवती के लिए। कच्छावरी थी वो, यानी कछवाई थी जिन्हें आजकल कुशवा कहते हैं या कुशवाओं की तमाम अब तो शाखाएं हैं, शेखावत है, चूड़ावत है, शक्तावत हैं और राजावत हैं। तो ये नरवर के राजा कीर्ति सेन की पुत्री थी, उनके लिए ये महाराजा सोनपाल सिंह तोमर ने ककनमठ मंदिर भगवान शंकर का बनवाया। इस मंदिर की ये खासियत है कि इस मंदिर में कहीं भी ईंट चूना पत्थर या सीमेंट आदि का कोई प्रयोग नहीं हुआ है, पत्थरों से पत्थर जोड़ करके ये पूरा मंदिर बना है भव्य। और इस मंदिर की ये खासियत है कि इस मंदिर में कई फिल्मों की शूटिंगें भी हो चुकी हैं। सबसे प्रसिद्ध फिल्म जो है चंबल की कसम इसी मंदिर के अंदर में शूट हुई थी, जिसमें बहुत प्रसिद्ध गाना था सिमटी हुई ये घड़ियां फिर से न बिखर जाएं, मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज में था और राजकुमार मौसमी चटर्जी पर फिल्माया गया था। और इसी मंदिर में ही शत्रुघ्न सिन्हा और राजकुमार से फाइटिंग का सीन है, तो जो फाइटिंग है वो भी इसी मंदिर की है। तो इस ककनमठ मंदिर में ही ये चंबल की फिल्म जैसी भी फिल्म शूट हुई। इसके अलावा और भी चार पांच फिल्में इस मंदिर के अंदर में शूट हो चुकी हैं। अब महाराजा सोनपाल सिंह तोमर और रानी ककनवती के जो पुत्र हुए उनका नाम था सुल्तान शाह। तो सुल्तान शाह जो है ये सोनपाल सिंह तोमर के पुत्र थे और सुल्तान शाह को जादौन के करौली गांव की राजा हमीर सिंह की पुत्री राजकुमारी अकल कंवर वो ब्याही थी। तो महाराजा अनंगपाल सिंह के पुत्र सोनपाल और सोनपाल के पुत्र सुल्तान शाह इनको जादौन थी करौली गांव की राजस्थान की, अब तो राजस्थान है पहले वो पूरा देश भारत ही था, वहां की राजा हमीर सिंह की पुत्री राजकुमारी अकल कंवर वो इनको ब्याही थी। इनके सुल्तान शाह और अकल कंवर के पुत्र हुए कंवर सिंह, उनका नाम है कंवर सिंह। तो कंवर सिंह बहुत ही खूबसूरत थे और इनका नाम कंवर सिंह या कंवरपाल सिंह दोनों उल्लेखित हैं वंशावली के अंदर में। तो कंवरपाल सिंह को काफी खूबसूरत और वीर थे, ये शूरवीर थे, तो इन्हीं पर वो खिलजी की वो बेटी थी वो फिदा हो गई थी और इनका विवाह हुआ सिसोदिनी से, यानी सिसोदिनी राजकुमारी थी सिसोदिया वंश की, ये थी चित्तौड़गढ़ की, ये चित्तौड़गढ़ के महाराजा थे राणा रतन सिंह और रानी पद्मिनी उनकी पुत्री हेमावती। तो वंशावली में जो उल्लेख है कि कंवरपाल सिंह को
चित्तौड़गढ़ के राणा रतन सिंह और रानी पद्मावती या पद्मिनी की पुत्री हेमावती ब्याही। यहाँ पर कंवरपाल सिंह की दो प्रेम कथाएं हैं, तो उनका उल्लेख तो कभी बाद में करेंगे, लेकिन आप अभी वंशावली सुन लीजिए। कंवरपाल सिंह और सिसोदिनी यानी जो सिसोदिया वंश की जो राजकुमारी थी, जो बाद में महारानी बनी, हेमावती, ये राणा रतन सिंह और पद्मावती की पुत्री थी। वो पद्मिनी जिसने जौहर किया था चित्तौड़गढ़ के किले में, उनकी ये इकलौती पुत्री थी हेमावती। और उस हेमावती से कंवरपाल सिंह तोमर का विवाह हुआ। और इन दो कंवरपाल सिंह और हेमावती के दो पुत्र हुए। ये जो दो पुत्र हुए उनमें एक का नाम था राव घाटम देव और दूसरे का नाम था देववरम। इन्हीं को कहते हैं वीरम देव और इन्हीं का नाम है वीर सिंह देव। तो ये दो जो पुत्र थे कंवरपाल सिंह और हेमावती के, तो एक पुत्र हुए राव घाटम देव और दूसरे पुत्र हुए देववरम यानी वीरम देव, और इन्हीं को वीर सिंह देव कहा जाता है। तो इन दो पुत्रों ने अपने राज्य खंड का विस्तार किया, जिसमें राव घाटम देव ने 52 गांव का और 84 गांव का, ये दो राज्य खंड बसाए। एक राज्य खंड में 52 गांव थे और दूसरे राज्य खंड में 84 गांव थे। वहीं महाराजा देववरम यानी वीरम देव या वीर सिंह देव, इन्होंने 120 गांव की केवल एक ही राज्य खंड बसाया, जिसे 2700 कहते हैं। तो इन दोनों पुत्रों के, घाटम देव और देववरम यानी वीरम देव या वीर सिंह देव, इन्हीं का नाम है, तो इनके सभी गांवों को मिला के, पूरे राज्य खंड को मिला के 52,284 इस तरह से पुकारा जाता है, क्योंकि उनके 52 गांव, उनके 84 गांव और इन्होंने बसाए थे 120 गांव। तो 52,284 84 कोस तलक प्रकाशी, ये एक राजपूतों में दोहा कहा जाता है। तो ये इन दोनों ने, घाटम देव ने और वीरम देव ने, ये बसाई थी। तब से ये जो 256 गांव बसाए गए थे, इसी को तोमरगार कहते हैं। ये गांव तब से लेके अब तक बहुत बढ़ चुके हैं और इनकी संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। ये उस वक्त की बात है जब वो उन्होंने बसाई थी, 52, 84 और 120, इसीलिए कहते हैं इनको 52,284। अब इसके बाद में महाराजा देववरम और वीरम देव या वीर सिंह देव, इनकी गद्दी चली, क्योंकि ये बड़े पुत्र थे, तो ऐसा की गद्दी पर बैठे। और ऐसा की गद्दी पर इन्होंने संवत 1438, विक्रम संवत 1438 में अषाढ़ के महीने में ऐसा गढ़ी का जीर्णोद्वार करवाया। ऐसा गढ़ी का जीर्णोद्वार महाराजा वीरम देव या देववरम के या वीर सिंह देव, इन्होंने विक्रम संवत 1438 में अषाढ़ के महीने में ऐसा गढ़ी का जीर्णोद्धार कराया, यानी ऐसा का जो किला है, जो वो गढ़ी कहते हैं जिसे, उसका जीर्णोद्धार कराया। अब महाराजा देववरम यानी वीरम देव या वीर सिंह देव ने ऐसा से ग्वालियर का किला ले लिया। अब उन्होंने, वो बहुत पराक्रमी थे, बहुत शूरवीर थे वीर सिंह देव,
या देवगरम या बीरम देव, तो उन्होंने ऐसा पर राज किया। ऐसा के बाद में फिर ग्वालियर का किला ले लिया विक्रम संवत 1466 में। तो विक्रम संवत 1466 में उन्होंने ग्वालियर का किला अपने अधीन कर लिया, अपन उस पर जा बैठे। और ग्वालियर के किले पर उन्होंने 27 वर्ष तक ग्वालियर पर राज्य किया। और ये देववरम यानी वीरम देव यानी वीर सिंह देव ग्वालियर के पहले तोमर राजा हुए। तो ग्वालियर का जो पहला तोमर राजा महाराजा बने वो वीर सिंह देव या वीरम देव, और इन्हीं को कहते हैं देववरम। एक ही उनके तीन नामों से उन्हें पुकारा जाता था। तो ये ग्वालियर के पहले राजा बने। इन्होंने चतुर्भुज का मंदिर, ये चतुर्भुज का मंदिर ये वही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर पूरे विश्व के सारे वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, जहां पर कि शून्य के आविष्कार का शिलालेख लगा हुआ है। तो शून्य के आविष्कार का शिलालेख पूरे विश्व में इसी चतुर्भुज मंदिर में लगा हुआ है। और इन्होंने चतुर्भुज का मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर, जीत महल और मांडेर दुर्ग का निर्माण कराया। तो इसमें वंशावली में उल्लेख है कि इन्हीं महाराजा देवबरम ने या वीरम देव ने या वीर सिंह देव ने चतुर्भुज का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और जीत मेल और मांडेर दुर्ग का निर्माण कराया। अब इसके बाद में आगे की वंशावली है, वो है देवबरम यानी वीरम देव या इन्हीं को वीर सिंह देव कहा है। इनके 7 रानियों से 22 लड़के हुए, 22 पुत्र हुए। और इनमें जब आगे चल के राजगद्दी का बंटवारा हुआ तो उसमें से एक रानी का पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गया था युद्ध में, जिसका नाम लक्ष्मण सिंह था। लक्ष्मण सिंह के नाम पर लक्ष्मण पौर ग्वालियर के किले पर एक दरवाजा बनवाया गया, उसे लक्ष्मण पौर कहते हैं। और वह लक्ष्मण पौर उन्हीं लक्ष्मण सिंह तोमर के नाम पर जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, ये महाराजा देववरम यानी वीरम देव या वीर सिंह देव उनके द्वारा बनवाई गई। और इसी लक्ष्मण पौर पर ही वह विश्व प्रसिद्ध चतुर्भुज का मंदिर यही लक्ष्मण पौर पर ही स्थापित है। तो महाराजा देववरम या वीरम देव या वीर सिंह देव के 7 रानियों से 22 पुत्र हुए थे, जिसमें से एक रानी का बड़ा पुत्र शहीद हो गया था। तो अब बचे 6। तो 6 लोगों में राजगद्दी का बंटवारा हुआ, राज सिंहासन का बंटवारा हुआ। तो इसमें सबसे जो बड़े थे, तो बड़े पुत्र थे इसमें गणपत देव दोनों नाम लिखे हुए इसमें। और दूसरे हुए कीरत देव, जिन ये जो बड़े बड़े पुत्रों में राज्य खंड राज्य का बंटवारा हुआ था, छोटे पुत्रों को सेनापति या मंत्री या कुछ बनाया जाता था, केवल बड़े पुत्र को राजगद्दियां दी जाती थी। तो इनकी 7 रानियों में से जो 6 बचे उनमें राजगद्दी का जो बंटवारा हुआ, तो बड़े थे गणपत देव, उसके बाद कीरत देव, फिर थे खड़क सिंह, और फिर थे मंगल देव, और फिर थे अधम देव, और एक थे धौलसार। यानी ये कुल 6 लोग, 6 लोगों के बीच में राजगद्दी का बंटवारा हुआ। अब इस राजगद्दी के बंटवारे में किसके हिस्से में कहां क्या आया, ये भी काफी वो है,
तो महाराजा वीर सिंह देव ने राजतिलक ग्वालियर के किले पर महाराजा गणपत देव का कर दिया था, और गणपत देव ने वहां पर राज भी किया। ये राज 17-18 साल किया, और उसके बाद में बंटवारा हुआ है। तो ये बंटवारा कुछ इस तरह से हुआ, किसको कहां की राजगद्दी दी गई, इसमें वंशावली में जो उल्लेख है वो है, पहला है अधमदेव। तो अधमदेव को अधनपुरा और छिदावली, ये दो राज्य खंड के हिस्से दिए गए, अधनपुरा और छिदावली। धौलसाय को चंबल के पार, धौलसाय नाम का पर्वत है, उन्हीं के नाम पे उस पर्वत का नाम पड़ा है, धौलसाय पर्वत कहते हैं उसको। तो महाराजा धौलसाय सिंह तोमर को धौलसाय पर्वत के आसपास का पूरा क्षेत्र दिया गया, तो उन्होंने धौलपुर बसाया, और धौलपुर के आसपास उनके वंशज बस गए। तो राजस्थान में जितने भी तोमर हैं, ये महाराजा धौलसाय सिंह तोमर के वंशज हैं। और गणपत देव जो सबसे बड़े थे, जिनके राजतिलक भी हो गया था, और उन्होंने ग्वालियर के किले पर कुछ समय तक राज भी किया, कई बरस तक महाराजा वीर सिंह देव या वीरम देव या देवबरम के रहते हुए भी, लेकिन उसमें एक थे जो सबसे छोटे थे, मंगल देव। तो मंगल देव में थोड़ा सा विवाद हुआ, मंगल देव चाहते थे कि ग्वालियर का किला उन्हें मिले, ग्वालियर के राज्य पर वो राज्य करें, जबकि नियमानुसार और रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार ग्वालियर का राज्य गणपत देव के हिस्से में आ रहा था, क्योंकि वो सबसे बड़े पुत्र थे और उस पर वो राज्य भी कर चुके थे, उनका राजतिलक भी हो चुका था। इसके बाद भी जब विवाद ज्यादा बढ़ा, तो गणपत देव ने स्वयं ही ग्वालियर का किला छोड़ दिया, ग्वालियर का राज्य छोड़ दिया, और वो अपनी पैतृक गद्दी जो महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की सिंहासन था, वे उस पर आ गए। तो गणपत देव के खानदान ऐसा घड़ी में आ गया, और ऐसा घड़ी पर राज्य स्थापित किया, उनका राज्य ऐसा घड़ी में हो गया। और कीरत देव जो तीसरे चौथे पुत्र थे, कीरत देव, इनका वंश मालवा में चला गया। तो मालवा क्षेत्र में जो तोमर हैं, ये कीरत देव के वंशज हैं। तो कीरत देव का वंश मालवा में चला गया और मालवा में राज्य करने लगा। तो मालवा का राज्य जो है, ये कीरत देव को मिला। तो वहां पर जितने तोमर हैं, ये कीरत देव के वंशज हैं। अब है पांचवे खड़क सिंह। तो खड़क सिंह, इनको मिला उत्तर प्रदेश का हिस्सा, जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश कह लीजिए, पहले तो वो एक ही पूरा भारत देश था, एक ही राज्य खंड था। तो इन्होंने जो है, आज के माने तो वो उत्तर प्रदेश का मिला उनको। तो इन्होंने तूतावास पर राज्य किया, ये तूतावास के राजा रहे, और तूतावास पर राज्य किया। इनके 84 गांव जिला बदायूं उत्तर प्रदेश में आज भी मौजूद हैं, जिसमें मुख्य गांव है सजलपुर, सरोता, कछला, बितरोई, खेमा, बिलोरा, पिपरौला, चंदनपुर, पिला और नूरगंज। ये सब कुल मिलाकर के 84 गांव हैं महाराजा खड़क सिंह के, जो उन्होंने बसाए और वहां पर तूतावास पर राज्य किया। और छठवे हुए मंगल देव, जो कि बंटवारे के समय पर जिन्होंने झगड़ा पैदा कर दिया था, और असल उत्तराधिकारी को हटाने के लिए, ग्वालियर के राज्य पर कब्जा करने के लिए जिद ठान ली थी,
और वो महल में बहुत बड़ा उस समय थोड़ा सा चला था, तो मंगलदेव को ग्वालियर का राज्य मिला। मंगलदेव ग्वालियर में रह गए और उन्हें ग्वालियर का किला दे दिया गया, ग्वालियर का राज्य दिया गया। मंगलदेव के ही वंश वंश में ये हुए महाराजा मानसिंह तोमर, विक्रमादित्य तोमर और रामशाह सिंह तोमर। वहां पर उनका वंश नष्ट तो हो गया पूरी तरह से। रामशाह तोमर हल्दीघाटी के मैदान में और विक्रमादित्य सिंह तोमर पानीपत के मैदान में, और रामशाह सिंह तोमर के 3 पुत्र हल्दीघाटी के मैदान में और 1 पुत्र पौत्र यानी नाती वो भी हल्दीघाटी के मैदान में शहीद हो गया। इस तरह से मंगलदेव के वंश का पूर्णतः समाप्त हुआ। तो जब मंगलदेव ग्वालियर के राजा थे तो उनका क्या है कि बड़े भाई जो वहां ग्वालियर राजा रहे गणपत देव, उनका मन नहीं लगता था। पुरखों की गद्दी जो थी, महाराजा नंगपाल सिंह तोमर का जो सिंहासन था वो ऐसा नहीं था, तो उनका मन नहीं लगता था। तो उन्होंने एक गांव बसाया, ये उन गांवों से अलग है जो 256 गांव बसे थे, 52,784, उन गांवों से अलग बसा यानी बाद में बसा है। तो ये विक्रम संवत 1535 में ये ग्वालियर को छोड़कर डंडोली नामक इन्होंने गांव बसाया। ये डंडोली वर्तमान में अंबा के पास में है और बड़े पैसे जो सड़क जाती जो वहां के लिए, वहां पर डंडोली ये चंबल चंबल में पड़ती है। तो मंगलदेव जो अपने पुत्रों को राज्य दे करके उन्होंने 1535 में डंडोली बसाई। अब ये इनका मंगलदेव का वो रहा, तो मंगलदेव का वंश तो सभी को ज्ञात है, महाराजा मानसिंह तोमर उन्हीं के वंश में हुए, विक्रमादित्य सिंह तोमर उन्हीं के वंश में हुए, राजा रामशाह सिंह तोमर को डंडोली आना पड़ा, महारानी के सहित उनका विवाह वगैरह भी सब डंडोली में हुआ। महाराणा प्रताप की बहन उनके पुत्र शालिवान सिंह तोमर को ब्याही, फिर वो हल्दीघाटी के युद्ध में गए, वे स्वयं उनके पिता विक्रमादित्य पानीपत के युद्ध में मारे गए और वे स्वयं उनके 3 पुत्र और 1 पौत्र ये हल्दीघाटी के युद्ध में वीरगति को प्राप्त होकर के शहीद हुए। अब ये तो इनके 6 भाइयों के बीच में जो राज्य खंड के बंटवारा था वो हुआ। अब हम यहां पर महाराजा गणपत देव उनकी वंशावली को आपको सुनाते हैं, क्योंकि जो ऐसा घड़ी के राजा थे जिन्होंने 2700 बसाई थी 120 गांव की, और जो सबसे बड़े पुत्र थे महाराजा वीर सिंह देव के, वीरम देव के या देवब्रह्म के, अब उनकी वंशावली से ऐसा घड़ी की गद्दी चली है, ऐसा घड़ी का सिंहासन चला है। तो ये जो चंबल की तोमर घार है ये महाराजा गणपत सिंह तोमर उनकी तोमर घार है। अब तो उनकी वंशावली हम आगे वर्णन कर रहे हैं। तो गणपत सिंह को महीपत सिंह राजा थे मैनपुरी के चौहान। तो महीपत सिंह चौहान की पुत्री राजकुमारी देव कंवर ये ब्याही, ये गणपत देव को ब्याही। इनके पुत्र हुए 6 और इन 6 पुत्रों के नाम है मांडन देव, रामचंद, रोशन देव, सोगन देव, रिछपाल सिंह और मार्ग देव। मांडन देव,
रामचंद्र, रोशन देव, सौगन देव, ऋषपाल सिंह और मार्ग देव, तो ये इनके 6 पुत्र हुए। और इसमें से बाकी के जो पुत्र हैं उन्होंने अपनी अपनी वंशावली और अपने अपने गांव और राज्य चलाए। हमारा जो वंश चला है स्वयं का, मेरा नरेंद्र सिंह तोमर आनंद, वो रोशन देव के हिस्से में तो आया। आपको इनका जो 6 भाइयों का जो बंटवारा हुआ है इसमें भी बंटवारा हुआ है, जो राज्यखंड बता ऐसा घड़ी का बटा है तो ऐसा घड़ी का राज्यखंड भी फिर इन 6 में बट गया है। तो रोशन देव के हिस्से में अधनपुरा और छिदावली आई, और मार्ग देव के हिस्से में अजयड़ा रहा, और मानन देव के हिस्से में बरे, रुधावली, इनावा, पुरेनी के 24 वास, जिसमें दतेरा, डोंगरपुरा, किशनपुरा, भुवनपुरा, गोदूपुरा और झारपुरा, ये राज्यखंड आया। तो मैं फिर से बता देता हूं, रोशन देव के हिस्से में अधनपुरा और छिदावली, और मार्ग देव के हिस्से में अजेड़ा, और मांडन देव के हिस्से में बरे, रुधावली, इंडावा, पुरेनी के 24 वास, दतेरा, डोंगरपुरा, किशनपुरा, भुवनपुरा, गोदूपुरा, झारपुरा आदि ये सब आए। तो अब हमारा जो चला है वंश वो मांडन देव से चला है, तो वह मांडन देव की अपनी वंशावली बता रहे हैं। बाकी के जो भाई थे या जो हिस्से में आए जैसे अधनपुरा, छिदावली, अजयड़ा आदि, तो वो उनकी वंशावली यहां से अलग हो जाती है। तो उनके जो वंशज हैं ये सब महाराजा आनंदपाल सिंह तोमर के वंशज हैं, तो उनकी वंशावली यहां से अलग है। और हम अपनी जो खुद की चली है, तो हमारे पुरखे जो थे मांडन देव, जिनके हिस्से में बरे, रुधावली, इंडावा, पुरेनी के 24 वास, जिसमें दतेरा, डोंगरपुर, किशनपुरा, भुवनपुरा, गोदूपुरा, झारपुरा आदि बहुत बड़ा राज्यखंड आया। तो मांडन देव के पुत्र हुए भागचंद, मांडन देव के पुत्र हुए भागचंद, और भागचंद के 2 पुत्र हुए, एक हुए पत्तोसार और दूसरे हुए जयसार। तो भागचंद के 2 पुत्र हुए पत्तोसार और जयसार। अब इसमें हमारे जो पुरखे थे वो थे पत्तोसार। तो पत्तोसार ये और जयसार ये दोनों रुधावली के राजा हुए, रुधावली का राजखंड इनको मिला। तो इन्होंने रुधावली से आकर के बरे बसाई विक्रम संवत 1602 में फागुन बदी दौज को। तो पत्तोसार ने असल में जो हम लोग हैं ऐसावली से रुधावली तक पहुंचे, और रुधावली से हमारे जो पुरखे थे पत्तोसार उन्होंने बरे बसाई है विक्रम संवत 1602 में फागुन बदी दौज को। और गोला पूर्वों को यहां बसाया है। फिर पत्तोसार के पुत्र हुए 3। तो पत्तोसार के जो 3 पुत्र हुए, एक हुए गोसर देव, दूसरे हुए ईसु और तीसरे हुए उदल देव। तो गोसर देव, ईसु और उदल देव, अब इनकी वंशावली इस प्रकार से चली कि उदल देव के हिस्से में रुधावली का थोक आया, हाथी का पुरा आया और जयसिंह का पुरा आया। तो ये उदल देव को मिला रुधावली का थोक और हाथी का पुरा और जयसिंह का पुरा, ये उदल देव के हिस्से में आए। और गोसर देव, इनके पुत्र हुए रूप सिंह और कौम सिंह। गोसर देव के पुत्र हुए रूप सिंह और कौम सिंह।
और रूप सिंह के पुत्र हुए दामन आमत और बाजद। अब इसमें आमद के हिस्से में मेहरा की बरे दतहरा बारे का पुरा और हरजीवन का पुरा ये आमद के हिस्से में आया। और इनके पुत्र हुए सागर सिंह, उनका नाम है सागर सिंह। सागर सिंह के पुत्र हुए विद्यावन सिंह आदिराम सिंह और केसरी सिंह। इसमें हमारे पुरखे थे विद्यावन सिंह, उनके पुत्र हुए हजूरी सिंह और हजूरी सिंह के पुत्र हुए रामशरण सिंह तोमर और रामशरण सिंह तोमर के पुत्र हुए बारे सिंह। तो इसमें वंशावली में उल्लेख है कि ठाकुर बारे सिंह ने बरे से आकर बारे का पुरा बसाया सम्मत विक्रम संवत 1750 में। तो बरे से आकर के बारे सिंह ने विक्रम संवत 1750 में ग्राम बारे का पुरा बसाया। अब बारे सिंह के पुत्र हुए मुकरंद सिंह और शिव सिंह, ये दो पुत्र हुए बारे सिंह के, मुकरंद सिंह और शिव सिंह। तो अब जो मुकरंद सिंह की वंशावली है वो इधर हमारी तरफ आती है, वो हमारे पुरखे थे, और शिव सिंह की वंशावली ये दूसरे हिस्से में चली जाती है उसी क्षेत्र के में, उनकी वंशावली अलग चली है। तो मुकरंद सिंह के पुत्र हुए ब्रजपाल सिंह मर्दान सिंह धर्मजीत सिंह हरि सिंह और स्वरूप सिंह। यहां पर अभी जब गांव में एक बार देवता बैठ रहे थे तो एक कोई पुराने पुरखे थे तो वो आ नहीं पा रहे थे, तो इसमें बहुत विवेचना हुई। फिर वंशावली के जरिए ही खोज की गई कि कहां कौन है जिसको बुला नहीं पा रहे हैं और जो बैठ नहीं पा रहा है। तो जब ये वंशावली खोजी गई तो इस वंशावली में से ही वो चीज निकली। वो चीज ये निकली कि जो है ब्रजपाल सिंह ने विक्रम संवत 1866 में बारे का पुरा में कुआ बनवाया। तो सबसे विशाल कुआ था और कुआ वालों के नाम से ही ये पूरा गांव मशहूर है, और कुआ वालों के क्योंकि आसपास कुएं नहीं थे इतने गहरे बड़े, केवल एक ही कुआ था आसपास के किसी गांव में, इतना गहरा और बड़ा कुआ नहीं था, जो कि ब्रजपाल सिंह तोमर ने विक्रम संवत 1866 में बारे का पुरा में कुआ बनवाया। अब इनकी एक पुत्री थी विजय देवी, जो सिकरवारों के यहां गुड़ा गांव में मोर दत्त सिंह को ब्याही थी। तो इनकी जो पुत्री थी विजय देवी, वो सिकरवारों के यहां गुड़ा गांव में, गुड़ा चंबल बोलते हैं, गुड़ा गांव में मोर दत्त सिंह को ब्याही थी। असल में जो देवता बिठाले जाते थे तो ये चीज उसमें वंशावली में छूट जाती थी, और उस वजह से वहां देवता जो स्थापित किए जाते हैं उसमें दिक्कत आ रही थी। तब वंशावली में खोज की तो फिर ये विजय देवी मिली, फिर वहां सिकरवारों के यहां गए, फिर गुड़ा गांव से उनके जो वंश के लोग हैं उनके अब तो नाती पोते और वो हैं आगे की पीढ़ियां हैं, तो उनको बाकायदा न्योता दे करके बुलवाया गया और वो बहुत खुशी खुशी आए, तब जाके देवताओं की स्थापना हुई। अब आगे चली है हरि सिंह। अब मर्दान सिंह और धर्मजीत सिंह का तो वंश अलग चला है। अब हरि सिंह के पुत्र हुए स्वरूप सिंह, तो स्वरूप सिंह तोमर के पुत्र हुए फिर एक हुए खुमान सिंह, एक हुए गोवर्धन सिंह और एक हुए जोधाराम सिंह। यहां से गांव में
अलग अलग बाखरे बन गए। पहले पूरे गांव का एक ही वो था, तो एक घुमान सिंह की बाखर हुई, एक गोवर्धन सिंह की हुई, एक जोधाराम सिंह की हुई। तो गोवर्धन सिंह जी का जो वंश है वो अलग है, उसको हम उल्लेख नहीं कर रहे। जोधाराम सिंह जी का भी वंश है और वो भी वहीं के निवासी है। तो खुमान सिंह के पुत्र हुए लाला राम। लाला राम सिंह तोमर के समय तक जागीरदारी चलती थी, इनके नाम के सिक्के चलते थे और इनकी बहुत मतलब लगान वगैरह कर वगैरह सब वसूल करते थे। बहुत से कागजात ये अभी भी रखे हैं और बाकायदा इनके यहाँ पर वो पेशी होती थी और वो कटघरे वगैरह सब रखे हैं और मकान हवेली के नीचे तलगर वगैरह थे। तलगर तो अब डूब डाब गए क्योंकि वो बैठ गई वो पुरानी बाखरे सब। तो ये लाला राम सिंह तोमर जो थे काफी इनपे, और इन्होंने जब जमींदारियां जागीरदारियां जब्त हो रही थी तो 7,000 बीघा जमीन अपनी खुद की तीन गांव वो दान में दे दिए थे, लेकिन अपनी प्रजा को ही दिए। इसके लिए सरकार से मुकदमा लड़ना पड़ा और प्रजा लेने को तैयार नहीं थी क्योंकि लगान और वो कर वगैरह देने पड़ते थे। तो उल्टे उनपे मुकदमे चलाए गए। मुकदमे चला के तीन गांव यानी 7,000 बीघा जमीन उनको दान में दी गई। ये लाला राम सिंह तोमर जी ने, जो हमारे पिताजी के बाबा हैं यानी कि मेरे परदादा, उन्होंने ये काम किया। तो वो तीन गांव नाबाद हैं और गजट में लिखित हैं। तो वो गजट में उल्लेखित है और ये ब्यौरा पूरा मध्य प्रदेश शासन के गजट में उल्लेखित है कि 7,000 बीघा जमीन दान कर दी और वो अपने जो सेवा कर रहे थे बरसों बरस से पीढ़ियों से उन्हीं लोगों को ही दे दी मुफ्त में। और एक लड़की थी चंदकंवर, यानी हमारे परदादा की जो बहन थी चंदकंवर, ये कछवाओं के देवरी के रघुवीर सिंह को ब्याही। तो कछवाओं में देवरी गांव है, वहां पे रघुवीर सिंह को ये ब्याही थी। अब लाला राम के हुए दो पुत्र, यानी हमारे परदादा जो थे उनके दो पुत्र हुए, एक हुए राजहंस सिंह और दूसरे हुए अमोल सिंह। तो अब इसमें अमोल सिंह के चार पुत्र हुए, महाराज सिंह तोमर, हवलदार सिंह तोमर, कंचन सिंह तोमर और रामकृष्ण सिंह तोमर। ये अमोल सिंह के पुत्र थे। हम लोग राजहंस सिंह की वंश से आते हैं। हमारे जो बाबा थे या दादाजी कह लो आज की भाषा में, वो राजहंस सिंह थे। हमारे बाबा के तीन विवाह हुए थे, इसमें एक पमार ब्याही थी महुआ खेरे की और दूसरी पमार थी गढ़ी गांव की और तीसरी ब्याही थी चौहान गुलियारी की रामकली। तो ये हमारे बाबा के तीन शादियां हुई थी, महुआ खेरे की परमार, गढ़ी गांव की परमार और गुलियारी गांव की रामकली। ये चौहान वहां के जागीरदार थे, उनकी पुत्री थी। अब इनके हुए चार पुत्र, हेत सिंह, कप्तान सिंह, जगन्नाथ सिंह और रामेश्वर सिंह। ये राजहंस सिंह के चार पुत्र हुए, हेत सिंह, कप्तान सिंह, जगन्नाथ सिंह और रामेश्वर सिंह। इसमें से कप्तान सिंह का तो निधन हो गया था काफी पहले,
तो तीन ही रह गए, हेत सिंह, जगन्नाथ सिंह और रामेश्वर सिंह। हेत सिंह के पुत्र हुए नंदन सिंह, रामलखन सिंह और तिलक सिंह। इसमें रामलखन सिंह की भी अल्पायु में मृत्यु हो गई थी, कप्तान सिंह रहे नहीं थे। जगन्नाथ सिंह तोमर के केवल एक पुत्र हुआ, वो शैलेंद्र सिंह तोमर, और रामेश्वर सिंह तोमर के तीन पुत्र हुए, नरेंद्र सिंह तोमर यानी मैं खुद, दूसरा सुनील सिंह तोमर बीच का, और छोटा प्रशांत सिंह तोमर। अब नरेंद्र सिंह का विवाह रूपशाहपुरा की भदौरिनी से हुआ, और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम है अभिजीत सिंह तोमर, और सुनील सिंह तोमर का विवाह शैल कुमारी कुशवाहा, ये भिंड की निवासी है, उनसे हुआ, उनके दो पुत्र हैं। और प्रशांत सिंह तोमर का विवाह भी भिंड की कुशवाहा है, मधुपुरा गांव की, उससे हुआ। उनके दो पुत्र है, एक पुत्री और एक पुत्र। ये वंशावली यहां तक पूर्ण हुई और ये मैंने आपको बता दी। अब इसमें जो हमारी थी, जो हमने बता दी, और इसमें बाकी के जहां जहां पर बढ़ती गई हैं शाखाएं, जैसे जैसे अलग होते गए हैं पुरखे, अलग होते गए हैं, वो सब एक ही उसके बाप के बेटे हैं, लेकिन जो है सबके अपने अपने अलग अलग गांव बसे और सबके अलग अलग वंश चले हैं। तो जहां पर भी जिसके पुरखे ने जो वंश चलाया है, जो गांव बसाया है, जो गांव चलाया है, उन सब की वंशावलियां हैं। और इस तोमर घर की, चंबल की तोमर घर की हरेक तोमर की वंशावली है, और वह उनके पास में सबकी अपनी अपनी वंशावली सबके पास मौजूद है, और जिसके पास मौजूद नहीं है तो या वो जो वंशावली लेखक रहते हैं, जिन्हें जगह कहते हैं, वो आते हैं और आगे की जो कहानी होती है या जो भी इतिहास होता है उसे वंशावली में लिख के जोड़ ले जाते हैं। तो यहां तक ये वंशावली आज दिनांक तक की हमने आपको सुना दी। ये थी चंबल के तोमरों की, तोमरगार की वंशावली, महाराजा आनंदपाल सिंह तोमर की वंशावली। और इस वंशावली में जो मेरा क्रम है वो 23वां है, यानी कि महाराजा आनंदपाल सिंह तोमर पे से जब हम गिनेंगे या आपको हमने जो सुनाई, तो हम उसमें 23वीं पीढ़ी में है। इसलिए हम अपनी हर फिल्म में कहते हैं कि हम अर्जुन के वंशज और महाभारत के अंतिम सम्राट महाराजा आनंदपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी है, क्योंकि मेरा जो क्रम है इस पूरी वंशावली में वो 23वीं पीढ़ी पर आता है। इसी प्रकार से अन्य तोमरों का या अन्य जो जो जहां जहां खाप कहते हैं, खाप या शाखाएं अलग अलग हुई हैं, पुरखों में से भाई के भाइयों, भाई भाई के अलग अलग वंश बन जाते हैं, अलग अलग खानदान चलते हैं, तो उनके उनके पास होगी। और वो कौन सी खाप में बैठते हैं, 23वीं पीढ़ी में बैठते हैं, कोई 22वीं पीढ़ी में होगा तो कोई 24वीं में होगा, कोई 25वीं में होगा, कोई लेकिन मैं 23वीं पीढ़ी में हूं। और इसी के साथ सबको प्रणाम करता हुआ, और ये वंशावली मैंने आपको वर्णित कर दी जो ताजा थी,
अब पीछे जो पुरानी भारत फिल्म जो चल रही थी, पीछे की वंशावली चल रही थी चंद्रवंश की, उसे फिर से शुरू करेंगे। ये ताजा तरीन वंशावली हमने आपको सुना दी। अब इस वंशावली में इतिहास बहुत दिया है कि कौन पुरखा गया गया, कौन ने गंगा नहाई, कौन ने किले गढ़वाए, कौन ने मंदिर बनवाए, कौन ने समाधियां स्मारक बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं खुदवाए, तो वो सब तो विवरण बाद की चीजें हैं। जब बाद में वो वंशावली जो पीछे से आ रही है भारत फिल्म में उसमें बताएंगे। लेकिन अब जो जितना था लगातार एक क्रम, कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है, ये वंशावली हमने आपको वर्णित कर दी। और ये फिल्म को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। अब इससे अगली फिल्म जो आएगी वो अब वंशावली से हटके किसी और चीज पर आएगी, और वंशावली फिल्म भारत में जो पहले से चल रही है वो वहीं से आगे बढ़ेगी, महाराजा पुरुरवा से आगे बढ़ेगी, उनके पुत्र कुछ पुत्रों की वंशावली हम दे चुके थे, अब आगे बढ़ेगी। तो उसमें चंद्रवंश में जितने भी आते हैं क्षत्रिय उनका सबका आएगा। और जाते जाते एक श्लोक में बोलता जाता हूं, वो श्लोक क्या दुआ है वो, कि दस रवि सो दस चंद्र सो और बारह ऋषि प्रमाण और चार उतासन यज्ञ सो छत्तीस कुरी ये ज्ञान। ये छत्तीस चार वंश है उनमें छत्तीस कुल है, इसे छत्तीस कुरी कहा जाता है। तो कहीं कोई तोमर राजपूत है, क्षत्रिय है, वो ही है असल। अब कहीं कोई जाट है या गुजर है या कोई है, तो वो भाई उसकी वंशावली वंशावली तो कहीं है नहीं और ना मिल सकती है। ये वंशावली उन्हीं की मिलेगी जो असल होंगे, और असल खून चला आ रहा है, जो गरम तासी चली आ रही है। राजपूतों में कहते हैं मीठे पानी और कड़वा पानी, तो ये कड़वे पानी की वंशावली है, मीठे पानी वालों की वंशावली भाई हम पे उपलब्ध नहीं है, जगहों पर उपलब्ध नहीं है, वंशावली लेखकों पर उपलब्ध नहीं है और भारत के इतिहास में नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।